वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के पुनर्गठन से रिलेटेड कुछ सम लेकर आया हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। अमर एंड अजहर आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमर और अजहर दो साझेदार हैं जो लाभ विभाजन, लाभ हानि का विभाजन 3:2 में करते हैं। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब उन्होंने अपने लाभ हानि विभाजन का अनुपात उनका 3:1 दिया। फाइंड आउट द गेन एंड सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों का लाभ अनुपात और त्याग अनुपात निकालिए। तो दोस्तों, सॉल्यूशन इस टाइप के सम में सबसे पहले आपको पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो लिख लेना है, पुराना अनुपात बराबर अजहर और अमर का पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात आपका रहेगा अमर का 3 और अजहर का 2, तो बन जाएगा 3:2। फिर आता है न्यू रेशियो ऑफ अजहर एंड अमर 3:1। इनका पुराना अनुपात और नीचे उनका लिखेंगे नया अनुपात। ये लिख लेने के बाद हम इसमें करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी त्याग अनुपात का फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो अब चूंकि इसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अमर गेन करने वाला पार्टनर है या सैक्रिफाइस करने वाला, तो आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप लिखेंगे अमर का ओल्ड रेशियो लिख लें, चूंकि ऊपर दिया 3:2, तो अमर का है 3, अजहर का है 2, तो ये आएगा 3 और अपॉन में दोनों का टोटल, 3 और 2 का टोटल होगा 5, तो हो जाएगा 3/5। और माइनस करना है आपको न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो में देखें अमर का है 3 और अपॉन में होगा इन 3 और 1 का टोटल यानी कि 4, तो 3/5 माइनस 3/4, तो अमर का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 3/4। फिर हम 5 और 4 का लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेने में ध्यान रखना है कि यदि ये दोनों 5 और 4 इसके जो डेनोमिनेटर हैं, मतलब नीचे हर जो हैं, वो अगर सेम टेबल में नहीं आते हैं तो आप इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप एलसीएम का पता कर सकते हैं। तो 5 × 4 होगा 20, और वैसे एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो 5 × 4 = 20 हुआ। अब आपको क्या करना है कि इसमें 5 के टेबल में देखें, 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 3/5 दिया है, तो 5 के टेबल में नीचे जो हर दिया है 5 उसके टेबल में, यानी कि डेनोमिनेटर का टेबल बोलना है, 20 को देखना है कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 × 3 हो जाएगा 12, तो आ गया 12 माइनस, फिर आपको 4 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, और 5 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर न्यूमरेटर में 3 में, तो होगा 5 × 3 = 15, तो आपका बना 12 − 15। अब आप देखेंगे कि 12 में से 15 माइनस करने के बाद आता है 3 माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर इज माइनस का 15 है, इसलिए माइनस का 3/20
और आप ब्रैकेट में लिख देंगे गैन, यहाँ पर अमर गेन करने वाला पार्टनर। अब ये कैसे डिसाइड किया गेन करने वाला, तो इसके लिए आप देखें यदि आपने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का अप्लाई किया है और आपका आंसर माइनस में आता है तो ऐसे केस में आप इसमें लिखेंगे गेन। आंसर 3/20 लिख दें लेकिन माइनस से आप पता कर लेंगे कि माइनस में आया तो ये गेन हुआ और प्लस में आ रहा है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने के बाद सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, त्याग अनुपात का फॉर्मूला लगाया और आंसर माइनस में आया तो गेन, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। अब देखते हैं अजहर, अजहर का ओल्ड रेशो 2/5 माइनस न्यू रेशो 1/4। अब हम इसमें देखते हैं एलसीएम 5 और 4 का 20 होगा और 5 के टेबल में 24 टाइम में 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर में तो होगा 4 2 8 माइनस 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम और 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे 1 में तो 5 बन जाए 5। 8 माइनस 5 करेंगे तो आएगा आपका प्लस का 3/20 और इट विल बी अवर सेक्रीफाइस रेशो, यानी कि यही इसका त्याग अनुपात होगा। हमने देखा कि अजहर एक सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है और अमर गेनिंग पार्टनर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे अजहर सेक्रीफाइस 3/20 शेयर्स विच अमर गेन्स। अजहर त्याग करने वाला 3/20 अनुपात 3/20 भाग त्याग करने वाला साझेदार है अमर के और अमर गेन करने वाला साझेदार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹4,50,000 विच अर्न्स 12% प्रॉफिट। एक फर्म की पूंजी ₹4,50,000 है जो 12% प्रॉफिट अर्न करती है। एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज फर्म इज ₹60,000 और फर्म का औसत लाभ ₹60,000 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के आधार पर फर्म की ख्याति निकालिए। तो दोस्तों इसको मेन मेथड आपको दिए कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करना है, अर्थात पूंजीकरण विधि से आपको इस सम को सॉल्व करना है। तो करते हैं इसकी शुरुआत प्रॉफिट। तो सॉल्व फर्स्ट नंबर गिवन दैट दिया है कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की पूंजी ₹4,50,000, रेट ऑफ प्रॉफिट है 12% और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 60,000, यानी औसत यहाँ पे लाभ की दर 12% है, औसत लाभ आपको ₹60,000 दिया है। तो फर्स्ट नंबर आप अब इस कैपिटल पर 12% की दर से ब्याज निकालेंगे तो सॉरी लाभ निकालेंगे जो कहलाएगा आपका सामान लाभ। तो सामान लाभ बराबर 4,50,000 गुणे 12/100, फॉर्मूला बनेगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन में 100, तो आपका आ जाएगा 54,000। जीरो से जीरो कट जाएगा और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे